हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे कस्टर्ड का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए आज बनाते हैं कस्टर्ड। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन जिसे लो फ्लेम पर रख दिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम कप जो हमारे होते हैं उतना दूध। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध ले लिया है। इसे हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से चलाएंगे। इसे हमें कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। दूध पे हमें मलाई नहीं आने देनी है, तो इसे हम कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। 5 मिनट के बाद हमारा दूध जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा दूध जो है ये थोड़ा थोड़ा अब उबल रहा है। हम इसे वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है, तो इसे हमें कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। तो इसे हम कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। ये बिल्कुल इजी रेसिपी है, ये घर के छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे ये कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने पिल्सबरी वाली कस्टर्ड पाउडर लिए हैं, इसके पीछे रेसिपी दी हुई है। तो अब हम इस कस्टर्ड पाउडर को निकाल लेंगे। ये वनीला फ्लेवर वाली कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर मैंने ली है। तो अब हम 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे। इसमें अब हम 4 टेबल स्पून दूध मिलाएंगे। ये काम अब घर के छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसे बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। तो ध्यान रखें, भले ही इसमें 2 मिनट जाए लेकिन ये अच्छी तरीके से आप बना लेना। यहाँ पे हमारा गैस जो है वो लो फ्लेम पे चल ही रहा था, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर। तो अब हम दूध को वापस चलाते रहेंगे। तो दूध को हमें अच्छे तरीके से चला लेना है ताकि कस्टर्ड पाउडर उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट के बाद जो है हमारा कलर बदल जाएगा और हमारा ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/4 कप शक्कर। 1/4 कप मतलब ये लगभग 6 से 7 चम्मच शक्कर है। अब हमारा ये दूध अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है, तो हमारा ये मिक्स बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने से पहले इसे 5 से 6 मिनट के लिए हमें ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे लाना है, फिर ही हमें इसे बाउल में निकाल लेना है। तो इसे अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी फेवरेट रेसिपी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। तो अब हम इसमें जो है फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बनाना, पोमोग्रेनेट और एप्पल लिया है। ये तीनों मैंने 1/4 कप लिए हैं। आपके घर में जो फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 2 घंटे के बाद हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी है। इसे हम 1 मिनट के लिए वापस थोड़ा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बन चुका है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप किसी भी बाउल में या किसी भी ग्लास में इसे निकाल लें और इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं, बिल्कुल ना भूलें कि ये कैसे बना है। तो आप मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लें।